मेरी कोई बात सुनी नहीं रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। कमाल के रहने पे उन्होंने इतना बड़ा इशू क्रिएट किया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे घर में ये होता होगा, मेरे घर में वो होता होगा, अभी तक को इन्वॉल्व कर दिया उन्होंने। लेकिन जिस दिन हमारी दोस्ती होगी, आपने मुझ पर और मैंने आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, उस दिन मैं आपको सारे पते की बातें बता दूंगा। क्या करना है? अरे जाकर माफी मांगो, और क्या करना है? मैं किस बात की माफी मांगू? अम्मी मैं यहां से जाना चाहता हूँ, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। अच्छा का चॉकलेट लगा दी, लगी तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने जो आज बात की थी, तुम इसके बारे में सीरियस थे? किस बारे में? मूव होने के बारे में। हाँ सोया, मैं बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। सच कहूँ तो जिस तरह मंसूर भाई उन्हें छोड़कर चले गए, मैं वैसे उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उन्हें छोड़कर चला गया तो वो टूट कर रह जाएंगे। लेकिन मैं भी क्या करूं, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। और फजीला आंटी, हसन एक बात कहूं? बोलो। मुझे लगता है कि इस वक्त पापा को तुम्हारी जरूरत है। वजीरा आंटी ठीक कह रही है, तुम्हें अपनी इज्जत छोड़ देनी चाहिए प्लीज। हेलो, मैं हूं आपका फ्रेश फ्रेश दोस्त। क्यों फोन किया तुमने मुझे? क्योंकि आपने मुझे कहा था आप मुझे फोन करेंगे। अब आपने फोन किया नहीं तो मैंने सोचा मैं ही कर लूं। भूल गई थी मैं, क्या बात करनी है बताएं। हाय बताइए, लीजिए कीजिए, जरा जरा एक कदम आगे। मैं समझी नहीं। अच्छा सुने, एडवांस में माजरत, लेकिन जब भी आप किसी नालायक बच्चे की तरह जिद करती है ना, मुझे बहुत बुरी लगती है। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? होश में हो अपने? किरण, तुम्हारी आवाज खनकती है और तुम्हारी आंखें चमकती है। और कहते हैं जिसकी आवाज खनकती हो और आंखें चमकती हैं, वो तोप होते हैं। नहीं, मैं कोई तोप नहीं हूँ। ओ तो तुम, लेकिन प्रिटेंड कर रही हो कि नहीं हो। तुम जानते हो तुम्हारी वजह से घर में कितना अजाब खड़ा हो गया था आज। वाकई? क्यों, क्या हुआ है? सोच रही हूँ तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। नहीं तो मैं कल आ जाता हूँ तुम्हारे घर। चाय और चटपटे गॉसिप तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। ये बेवकूफी तुम हरगिज नहीं करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम घर पे आओ और एक और अजाब खड़ा हो जाए। नहीं, क्या मतलब, कहना क्या चाह रही हो तुम? वहां मेरी वजह से कुछ हुआ है क्या? हाँ कह सकते हैं। फिर तो मुझे वहां चाय पीने जरूर आना चाहिए। जब मैंने कह दिया नहीं, मतलब नहीं। चलो ठीक है, अब चूंकि तुम मोर्चे में हो और बॉस भी तुम ही हो, तो तुम जो कहोगी वो मान लूंगा। अच्छा चलो, मुझे, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। अच्छा सुनो, दोबारा कब बात होगी? पता नहीं। वजीफा पढ़ेंगे। आपसे बात करने आई हूँ, आप चुपचाप पढ़ती रहें। आज आप नाश्ता करने नहीं जाएंगी?
आपका नाश्ता मैं आपके कमरे में ला दूंगी। मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं कीजिएगा कि क्या कब कैसे। मुझे लगता है आपने जो करना था आपने कर लिया, अब मेरी बारी है। समझ आती हूँ आप यहाँ बैठ के वसीफा पढ़ें और मेरी कामयाबियों की दुआ करें। आपा कहाँ है? किरण नहीं है नाश्ते पर, दोनों नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है, कहाँ है ये लोग? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा आपा नहीं आई नाश्ते पे? वो अम्मी को मैंने नाश्ता दे दिया है, आप परेशान नहीं हो। नाश्ता देकर आई हो मतलब? क्या वो हमारे साथ बैठकर नाश्ता भी नहीं करेंगी? मामू साहब उनका बस एक दो दिन का गुस्सा है, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। क्यों, क्या इन दोनों ने मेरी आपा से माफी नहीं मांगी अभी तक? ठीक है, अगर मेरी आपा मेरे साथ बैठकर नाश्ता नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूंगी। और हाँ, तुम तो जाने वाले थे इस घर से, क्यों नहीं गए अभी तक? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम दोनों मेरी आपा से माफी नहीं मांगोगे तो इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हें भी और तुम्हारी बीवी को भी मेरी आपा से माफी मांगनी होगी। इसी शर्त पर तुम इस घर में रह सकते हो, वरना शाम से पहले यहां से चले जाना। जोया तुम बैठो, मैं करती हूं हसन से बात। जोया वो तुम्हारा शौहर है, तुम जाओ उसके पीछे, ये क्यों गई है? हसन मेरी बात सुनो, हसन मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं करो। मेरी बर्दाश्त से बाहर है यार ये। तुमने मुझे रोका, जोया ने मुझे रोका, पर जिसके लिए तुम दोनों रोक रहे हो वो तो मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। हसन मैं गुस्से में हूँ, तुम तो होश से काम ले लो। नहीं, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मैं आज ही सोया और अम्मी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। अगर तुमने इस घर से जाने की बात की तो मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि जहर पी के अपनी जान दे दूंगी। जोया क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तुमने और अम्मी ने जो बिला वजह का झगड़ा खड़ा कर रखा है इस घर में, उसी की बात कर रहे हैं, उसी को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम परेशान मत, सब कुछ ठीक है, अंदर चलते हैं। हसन। हाँ? अपना वादा याद रखना। हसन तुमने ऐसे कोई वादा किए? हाँ। क्या बताओ? कमरे में चलो बताता हूँ। यार मैं किरण के एहसान का बदला कभी नहीं उतार पाऊँ। किस एहसान का बदला? मेरी और तुम्हारी शादी के टाइम पे बाबा को उसी ने मनाया था, एंड ट्रस्ट मी बहुत मुश्किल से मनाया था। हाँ बताया था तुमने, लेकिन वो तो किसी वादे की बात कर रही थी। हाँ जब बाबा मान नहीं रहे थे और इस बात पर बज़िद थे कि मेरी शादी उसी से होगी, तभी किरण ने बैक स्टेप लिया था और मंगनी की अंगूठी उतार के बाबा को वापस कर दी थी। एंड यू नो व्हाट जोया, उसने ना सिर्फ मेरी और तुम्हारी शादी के लिए बाबा को मनाया बल्कि मुझसे भी ये वादा लिया कि मैं इस घर को छोड़कर जाने की बात दोबारा नहीं करूँगा। अच्छा, किरण बहुत अच्छी लड़की है, अम्मी बाबा से बहुत प्यार करती है, बहुत ख्याल है उसे उनका, वो नहीं चाहती कि इस उम्र में वो अकेले रह जाए। और वैसे भी अम्मी बाबा मेरी जिम्मेदारी है, पप्पो या किरण की थोड़ी। मेरा मतलब वो क्यों चाहती थी ऐसा, कभी बताया नहीं उसने तुम्हें? बताया था,
उसे ऐसा लगता है कि मंसूर उसकी वजह से घर छोड़ कर गया और मैं भी उसकी वजह से घर छोड़ कर जा रहा था, लेकिन खैर एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में उसका होना किसी नेमत से कम नहीं है। एक वो ही है सोया जो भावा को मनाने का हुनर जानती है। अरे अगर वो नहीं होती ना तो हमारी शादी भी नहीं हो पाती। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं उसके इस एहसान का बदला कभी नहीं उतार पाऊंगा। हसन तुम कहते हो तो मैं पप्पू से खुद बात करती हूँ, अंकल को भी सॉरी बोल दूंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से घर का माहौल इतना खराब है। नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और घर में भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी। जो करना है मैं खुद कर लूंगा। ओके मामू साहब, वैसे आजकल आप बिल्कुल बच्चे बनते जा रहे हैं। बच्चों की तरह लड़ते हैं, जिद करते हैं, नाराज होते हैं। मैं नाजायज बात पर नाराज होता हूं, याद रखना। आपा इस घर की बड़ी हैं और हर एक का फर्ज है कि उनकी इज्जत करे। वो मालिक कुल है इस घर की। अगर जो आपा की इज्जत नहीं करेगा वो इस घर में नहीं रहेगा। बस वैसे आप कहते तो बिल्कुल ठीक हैं। हसन ने आज से पहले कभी भी अम्मी से ऊंची आवाज में बात ही नहीं की। बेटा मैं भी तो यही कह रहा हूं, ये वो सब कुछ अपनी बीवी की शय पे कर रहा है। और मेरे ये समझ में नहीं आता कि जो बाहर से औरतें किसी दूसरे घर में आती है और जो उस घर में पहले से रहने वाली औरतें होती है उनसे इतनी बदजन क्यों होती है। अपनी मुमानी को ही देख लो, कितने अरसे से तुम लोग साथ रह रहे हो लेकिन तुम्हारे साथ अब तक एडजस्ट नहीं हो पाई वो। ये नई मुसीबत नाजिल हो गई। ठीक कह रहे हैं आप, जोया को इतनी मामूली सी बात को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि आप तक और हसन तक ये बात ही क्यों आई, पहले ही खत्म हो जाती है बात। बरखुरदार पे इश्क का भूत जो सवार हो गया है और वो लड़की गुरूर में पागल हो गई। खैर उन दोनों को मेरा पैगाम सुना दो कि अलमास आपा से माफी मांग ले वरना इस घर से जाने के लिए तैयार हो जाए। मामू साहब माफी मत मंगवाए, हसन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। वो अपनी बीवी को अम्मी से माफी कभी नहीं मांगने देगा। प्लीज ये शर्त हटा दो। किरण बेटा तुम कितनी सुलह पसंद और अच्छी बच्ची हो, यानी तुम अपनी माँ की भी साइड नहीं ले रही बल्कि कोई रास्ता ढूंढ रही हो कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। शाबाश बेटा, तुम जैसी बच्चियां ही सुरखुरु होती हैं। शुक्रिया मामू साहब, ये सारी आपकी तरबियत है। अच्छा मेरी तारीफें करने के बजाय मुझे वो बताएं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्लीज ये माफी वाली शर्त हटा लें, प्लीज मेरी बात मान लें। नहीं, हसन और उसकी बीवी बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, उनको जमीन पर लाने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। बोलो बेटा क्या बात है? आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, लेकिन ये बताओ तुमने हसन से बात की, समझाया उसे? जी आंटी। फिर माना वो तुम्हारी बात? ये दोनों बाप बेटा अपनी जिद से मुझे ऐसे ही टॉर्चर करते हैं। वो अपनी जिद पे डटे हुए हैं कि तुम अलमास आपा से माफी मांगो और हसन तुम्हें ये करने नहीं दे रहा। पता नहीं ये दोनों बाप बेटा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूं मैं। वैसे दुश्मनों ने तो चाहा था कि मैं बीमार हो जाऊं, सूली चढ़ जाऊं, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अरे मेरा रब मुझ पे मेहरबान है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अस्सलाम वालेकुम भुक्कू, आपको एक काम है तो मैं कर देती हूँ, बता दें मुझे। बहुत मेहरबानी आपकी,
मेरे हाथ पांव सलामत है, अपने काम खुद से कर सकती हूँ मैं, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। फजीला जी, जब फारिग हो जाओ ना किचन से तो मुझे इत्तला कर देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी मौजूदगी किसी को खले और मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हो। वैसे तुम दोनों सास बहू जब तक चाहे यहाँ पर मौज मस्ती करो, लेकिन काम खत्म होते ही ना इत्तला करा देना मुझे। आंटी फूफो तो अभी तक गुस्से में है। हाँ बेटा, जब तक तुम इनसे माफी नहीं मांगोगी ये ऐसी ही रहेंगी। तुमने अब्बी की मिस कॉल नहीं देखी? हाँ देखी थी, तो कॉल बैक क्यों नहीं किया? साशा मेरे अपने घर में ना बहुत मसले चल रहे हैं। क्यों, वो कमाल वाला मसला हल नहीं हुआ? वो तो हल हो गया था, लेकिन उसकी वजह से एक और मसला निकल आया। वो क्या? यार साशा, हसन के अब्बा चाहते हैं कि मैं और हसन मिलके फूफो से माफी मांगे। क्या जोई, कोई जरूरत नहीं है किसी से माफी वाफी मांगने की। और ये हसन भाई क्या तुम्हें अपने फूफो से माफी मांगवाने के लिए लेके गए? और उन्हें समझाया नहीं अपने पापा को? समझाया, उसी के तो समझाने से सारा मसला पैदा हुआ था। क्या मतलब? साशा, हसन की अपने अब्बा से ना बिल्कुल नहीं बनती, दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं। उस दिन तो उसने ये तक कह दिया कि वो घर छोड़ के चला जाएगा। सीरियसली कहा हसन भाई ने या ऐसे ही बस? नहीं, सीरियसली नहीं कहा था, बट मेरी बात सुनो, तुम बिला वजह नेक परवीन बनके हसन भाई को मना करने मत बैठ जाना। अच्छा मौका मिल रहा है उस घर से निकलने की, करो। बिलीव मी साशा, जावेद अंकल जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बिल्कुल औरतों की तरह लड़ते हैं, ताने देते हैं। और तुम्हारी सास, वो भी अपने शौहर के साथ मिल जाती होंगी, है ना? नहीं नहीं, फजीला आंटी तो बहुत अच्छी है, उनकी खुद इस घर में कोई हैसियत नहीं है। हसन और मेरे अलावा कोई उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता। खैर, मैं तो कहूँगी अच्छा मौका मिल रहा है, मौके का फायदा उठाओ, हसन भाई को लो और जंजालपुरे से निकल जाओ। इतना आसान नहीं है साशा, और सच कहो ना तो मैं भी ऐसा खुद नहीं चाहती। क्यों, तुम क्यों नहीं चाहती? हेलो, क्या हो गया जोई, जवाब तो दो। अच्छा बात सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना ठीक है? अच्छा अब्बी को कॉल बैक कर ले। अरे रख दिया फोन, तौबा है भाई, शादी के बाद इंसान अपनी मर्जी से फोन पे भी बात नहीं कर सकता। आओ किरण बैठो, बहन से बात कर रही थी। तुम्हारे मेके से तो तुम्हें यही मशवरा मिल रहा होगा कि मौका अच्छा है ससुराल छोड़ दो, शोहर को लेकर अलग हो जाओ। हाँ नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं अपने घर पे कुछ नहीं बताती। अच्छा अगर तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। मुझे ये बताओ तुम हसन के लिए क्या कर सकती हो? मतलब? मेरा मतलब ये है कि तुमसे शादी करने के लिए, तुम पर अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए, वो तो अपने हिस्से के हर इम्तिहान को पास कर चुका है, अब तो तुम्हारी बारी है, तुम हसन के लिए क्या कर सकती हो? सब कुछ। लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? सब कुछ नहीं करूँ, सब कुछ फिर कभी कर लेना, अभी तो बस माफ़ी मांग लो। किरण मेरा यही ख्याल है कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए, हसन ने मुझे भी इस मामले में बोलने से मना किया। जो है हसन तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही करेगा, मैं उसे जानती हूँ, जिन मसलों में उसे उलझाया जाता है वो उनसे चिढ़ने लगता है, उन्हें ढंग से सॉल्व करने के बजाय उनसे भागता रहता है, और कोई आगे भर कर अगर उन मसलों को हल करते ना तो थैंक यू कहता उसका दोस्त बन जाता है फौरन। मैं जानती हूँ हसन को, ऐसे क्या देख रही हो, बचपन से जानती हूँ मैं हसन को, तुम तो अभी आई हो उसकी जिंदगी में, एक एक बात जानती हूँ मैं उसके बारे में। ठीक है, लेकिन मैंने हसन से कहा था, उसने मुझे, हसन से पूछोगी तो वो तुम्हें मना ही करेगा। मेरी जान तुम उसकी बीवी हो, वो नहीं चाहता कि तुम किसी के सामने झुको, तुम माफी मांगो, लेकिन सच पूछो तो मुझे पता है वो अंदर से क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि तुम मामू साहब से रम्मी से माफी मांग के इस घर का माहौल ठीक कर लो। मैं जानती हूँ हसन तुमसे ऐसा कभी नहीं कहेगा। ये सब तुम्हें हसन ने कहा है? नहीं, हसन ने मुझसे ये सब नहीं कहा, लेकिन मैं जानती हूँ हसन को ये यही चाहता है, वो चाहता है कि तुम उनसे माफी मांग लो, सब ठीक हो जाए,
देखो एक छोटा सा वर्ड सॉरी तो है, यही तो बोलना है तुम्हें बस। इस घर का माहौल ठीक हो जाएगा। और जहां तक रही हसन की बात, मैं जानती हूँ हसन को, वो तुमसे प्यार, तुम्हारी इज्जत और कदर पहले से ज्यादा करने लगेगा। अरे हसन बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे कहिए ना, क्या बात है? तुम लोग अपने साथ किरण को भी ले जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम जोया को डिनर टेबल से बिल्कुल गायब कर दो। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो करो, वरना समझ लेना हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। हसन मेरे साथ ऊपर चलो। कहाँ? अलमास फूफो के पास। सोया, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम इस मामले से दूर रहो। मैंने स्टेट एजेंट से बात कर ली है, वो एक दो दिन में कोई ना कोई घर ढूंढ लेगा, और अम्मी को मनाने का काम रह जाएगा, वो मैं मना लूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, यहीं रहना है मुझे। क्यों? अब जब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता तो तुम क्यों चाहती हो? हसन, मैं बस हुब्बो से माफी मांग के ना इस घर का माहौल ठीक करना चाहती हूँ। और अब तो मुझसे एक भी सवाल नहीं करोगे, मेरे साथ चलो प्लीज। जोया, तुम जोया, अम्मी ने नमाज पढ़ ली है, आज उनको सरप्राइज देते हैं। हाँ तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इस माफी मिशन के पीछे कौन? तुम होगी। इस घर में जितने भी नेक काम होते हैं उनके पीछे मेरा ही हाथ होता है। अब तुम लोग देर नहीं करो, चलो। अरे चलो ना, आओ, देखना हमें कितना खुश हो जाएंगे तुम्हें देख के। अम्मी आओ, देखें आपसे कौन मिलने आया। कौन? अरे ये तो हसन बेटा है। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम फूफो, कैसी हैं आप? तुम भी खुश रहो फूफो। I'm really sorry। चुप करो जोया, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, हसन और जोया आपसे बात करने आए। उठे, जोया के गले लगे, उठे ना। सोया, लो भाई, हमसे तो अमन मुहायदे बंदूक की नोक पर करवाए जाते हैं। अरे अब इस बात को दिल पे मत ले जाना बेटा, ये मजाक तो मैंने अपनी बेटी के साथ किया है। नहीं नहीं पप्पो, मुझे पता है आपने मजाक किया। शुक्र है आप दोनों के दरमियान जो टेंशन थी वो खत्म। खत्म नहीं हुई, खत्म करवाई गई है। तुम्हारी बीवी की मैंने फ्री काउंसलिंग की है, अपनी माँ को समझाया है। शुक्र है इनकी लड़ाई खत्म हुई, वरना ये कभी लड़ाई खत्म ना होती। चलो बैठो ना तुम लोग। हसन बैठो, जोया। थैंक यू, वैसे बिल्कुल ठीक कहा, सारा क्रेडिट तुम्हें ही जाता। हसन बेटा, मेरी किरण तो है ही अमन की पा, इससे अगर कोई नाराज हो जाए या इसके आसपास कोई नाराज हो तो बस समझो इस पे तो जैसे खाना पीना हराम हो जाता है। जोया जी पप्पू। बेटा जैसे मैंने किरण के कहने पर अपना दिल शीशे की तरह से साफ कर लिया है ना, तुम भी प्लीज अपना दिल इसी तरह से साफ कर लो। अब बुरे वक्त में कही गई बातों को दिल का मैल नहीं बनाया जाता। और भाई फिर वो घर ही क्या जहां पर कोई छोटी मोटी बात ना हो जाए। अब अपनी नादान और बड़बोली फूफो को माफ नहीं करोगी क्या? प्लीज फूफो, इस तरह जोया से माफी मांगे आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा मुझे तुम दोनों से बहुत सारी बातें करनी है। किरण
जाओ जरा वो अदरक और इलायची वाला जो कहवा बनाकर लाती हो मेरे बच्चों के लिए बनाकर लाओ। जाओ शाबाश। अभी तो मैं 2 मिनट पहले अमन की फाख्ता थी, अब मुझे नौकरानी बना दिया आपने। नहीं किरण, तुम इधर ही रहो। सोया तुम जाओ। मैं लेकर आती हूँ। अरे सोया नहीं, तुम बैठो। अभी तो तुम्हारी अलमास खातून से दोस्ती हुई है, मैं चाहती हूँ तुम लोग आराम से बैठ के बात करो, मैं कहवा बना कर लाती हूँ। कहवा पसंद है ना तुम्हें? बना कर लाती हूँ। मेरी किरण तो जन्नत का फरिश्ता है फरिश्ता। इसने किस तरह से तुम्हें, जावेद को, मुझे थोड़ियों में हाथ दे दे कर मनाया है, ताकि तुम और तुम्हारी बीवी इस घर में खुशी खुशी फलो फूलो। बस अल्लाह से यही दुआ करती, जैसे मेरी बेटी का किरदार रोशन है ना, ऐसे उसके नसीब भी रोशन करते मेरे मालिक। तुम जाओ, रेडी हो जाओ। ये बताओ अलमास पापा ने क्या कहा? आप इतनी छोटी छोटी सी बातों को लेकर क्यों परेशान हो जाती हैं? मैं और जोया डिनर पर जा रहे हैं, आप भी चलें साथ। नहीं बेटा तुम लोग जाओ, मुझे वैसे भी इनके लिए खाने का इंतजाम करना है। चले मैं आपको वापसी में कॉल करूंगा, आप बता दीजिएगा कि आपको क्या खाना है। ठीक है? ठीक है। उनके सामने इतना बिछने की क्या जरूरत थी आपको? क्यों ओवर एक्टिंग आप इतनी करती हैं? हाथों में हाथ डाल के डिनर पे जा रहे हैं मम्मी वो। जाओ बैठो, वो जबान चल गई है तुम्हारी। मुझे अगर रंग जमाना आता है ना, तो रंग में भंग डालना भी आता है। अब जाओ, मुझे के तैयार हो जाओ। बहुत प्यारी लग रही हो आज। सिर्फ आज लग रही हूँ? मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पाने के लिए मैं जिस चीज से भी लड़ा, बिल्कुल ठीक लड़ा। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि अब घर में एटलीस्ट सब ठीक है, फूफा और अंकल हमसे नाराज नहीं है। और जोया, इस सब कुछ किरण की वजह से हुआ है। बहुत अच्छी है, शी इज सच अ काइंड पर्सन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयार हो गए तुम लोग? जी जी फूफा, वी आर रेडी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू पप्पो। अरे हसन बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे कहिए ना, क्या बात है? तुम लोग अपने साथ किरण को भी ले जाओ। कब से घर में बंद बैठी है मेरी बच्ची, हो सकता है इस तरह से उसका दिल बहल जाए बेटा। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो भी चले हमारे साथ, क्यों जोया? जी पप्पो बिल्कुल। मैंने उससे कहा था लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। तुम कहोगे ना उससे, तो हो सकता है वो मना ना करे। बात करके देख लो उससे। ठीक है पप्पू, मैं जाकर कहता हूं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे लग रहे हैं ये बुंदे। हसन ने बनवाए क्या? नहीं पप्पो, ये मेरी अम्मी के। अच्छा अच्छा, मैं समझ रही थी कि हाल ही में बनवाए तुमने। सोच रही थी कि किरण के लिए भी ऐसे ही बनवा लूँ, बहुत खूबसूरत है और तुम पे तो बहुत जच रहे हैं। फोन उठाओ कमाल।
फोन उठाओ। हेलो, ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई कि बार बार कॉल कर रही हो? तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया। क्या मतलब, कौन सा इम्तिहान? मैं हसन और जोया डिनर पर जा रही हूँ। क्यों? वो तो तुम्हें और हसन को जाना चाहिए ना, जोया क्यों जा रही है? मैं चाहती हूँ कि तुम जोया को डिनर टेबल से बिल्कुल गायब कर दो। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो करो, वरना समझ लेना हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। तुमने इतनी देर कर दी आने में? तुम आने में थोड़ा टाइम था तो इसलिए मैं आके बैठी। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती। बट इतना खुश हूँ हसन, तुम्हें मैं बता नहीं सकती। तुम्हें पता है मेरी फेवरेट पार्टी पे क्या हुआ था जब तुम मुझे कॉलेज पिक करने आए थे? मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मेरी सारी फ्रेंड्स हसन को देख के पागल हो गई कि किरण तुम्हारा कजन इतना प्यारा है। अरे बस भी करो किरण, शादी हो गई है मेरी, मरवाओगी तो मुझे? जोया आई एम सो सॉरी, आई नो तुम्हें बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, तुम्हें हमारी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, तुम्हें लग रहा होगा जैसे हम एलियंस की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। हसन है ही ऐसा, वो एक्चुअली हसन मेरे बहुत करीब है, मेरे बचपन का दोस्त है। हमारे इतने जोक्स हैं कि तुम्हें समझ नहीं आएगी, और अगर हम तुम्हें समझाने लगे तो खुद नहीं हंस पाएंगे। क्यों हसन? वाकई में नहीं, इट्स ओके, तुम लोग करो बात। वैसे किरण, कल जो तुमने सुलह करवाई है ना पप्पो और सोया के बीच में, मेरे और बाबा के बीच में, उसके बाद तो वाकई में तुम्हारा फैन हो गया। अरे ऐसे नहीं बोलो, तुम्हारी बीवी को बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं, पप्पो बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम हमारे घर में अमन की फाख्ता हो, बल्कि मैंने तो सोच लिया कि तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा मैं। क्यों, तुम मेरी शादी क्यों नहीं होने दोगे? भाई तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम घर से चली जाओगी, और घर से चली गई तो ये सुलह सफाइयां कौन करवाएगा? हाँ, कितने सेल्फिश हो तुम। सेल्फिश ही ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम अपनी पढ़ाई रिज्यूम क्यों नहीं कर रही? अपनी पढ़ाई रिज्यूम कर तो लूँ मैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत बोर होती हूँ। सबसे पहले सुबह वैन मुझे पिक करती है, और फिर एंड पे मुझे ड्रॉप करती है, और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पे तो मेरा दिल करता है मैं कभी कॉलेज ही नहीं जाऊँ। बहुत बोरियत होती है मुझे वैन में, मैं क्या करूँ। तो इसमें क्या बड़ी बात है, तुम एक काम करो, तुम अपनी पढ़ाई रिज्यूम करो, मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे दूँगा। वाकई में सर? ये तो मैं कल से अपनी स्टडी से ज़ूम कर लेती हूँ, इसमें से कौन सी बात है? हाँ क्या हुआ? मैं रेस्टरूम यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग बातें करें। अरे तो खाना ऑर्डर कर लेते हैं फिर चले जाना। तुम दोनों ने जो ऑर्डर करना है कर दो, मैं खा लूँ। हसन एक्सक्यूज मी, वॉशरूम किस तरफ है? सामने। थैंक यू। अच्छा क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? I guess sushi. Okay. सोया के लिए भी देख लेता हूं। तुम्हारे और अपने लिए सुशी मंगवा लेता हूँ, और जोया के लिए डायनामाइट प्रॉन्स, ठीक है? मैं ये बोल रही हूँ कि ऊपर चलें, ऊपर मौसम बहुत अच्छा है, व्यू भी बहुत अच्छा है बाहर से। अरे
सोया को तो आने दो। सोया का मैं वेटर को बोल देती हूँ ना, फिर बेच देगा ऊपर। लेकिन तुम चलो खाना। चलो ना, सोया भी आ जाएगी। आओ। खैर हई 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 लड़की, कैसे आंधी तूफान की तरह से आ गई हो तुम? हसन कहाँ है पप्पो? क्या वो घर आ गए? अरे वाह वाह वाह, अब ये भी हम बताएं कि कहाँ है वो लोग? अरे ये तो तुम बताओगी कि कहाँ है। तुम गई थी ना उनके साथ? मुझे नहीं पता, वो लोग मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। अरे क्या मतलब है, तुम्हें नहीं पता कहाँ है वो लोग? वही कहीं होंगे, कहाँ गए होंगे। और देखो मेरा हसन इतना गैर जिम्मेदार नहीं है कि अकेली लड़की को छोड़ के इस तरह से चलाए। इसका मतलब है तुम इस वक्त वहां से अकेली आई हो? तो क्या अंकल मैं वहीं सारी रात रहती? जाहिर सी बात है टैक्सी से आई हूँ। अरे अरे कैसी मुझोर लड़की है, तुम अकेली आई कैसे? सोया क्या हुआ, हसन और किरण कहाँ है? मुझे नहीं पता आंटी, मैं वहां वॉशरूम में लॉक हो गई थी। बाहर निकली तो ना किरण थी ना हसन, वो मुझे छोड़ के कहीं चले गए थे। सुनो बीबी, तुम्हारे घर का माहौल होगा इतना बेबाक और आजाद। अरे हमारे घर की लड़कियां इस तरह से रात में अकेली दंदनाती हुई नहीं आती हैं। अरे तौबा तौबा, महल्ले वालों ने देखा होगा तो क्या सोचा होगा। अरे दुल्हन अकेली आ रही है टैक्सी में से जर्क बर्क लिबास पहने हुए, कोई तुम्हारे जेवर छीन लेता तो? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि कोई भी यूं मुंह उठा के मेरे किरदार के बारे में बात कर सके। अरे अरे लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बातें सुनाओगी?